प्रभारी मंत्री शहर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। चिंतामन रोड स्थित निजी गार्डन में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कर्मचारी संभाग द्वारा आयोजित संभागीय सम्मेलन में प्रभारी मंत्री पहुंचे। कार्यक्रम में उज्जैन के सात जिलों से करीब 1500 शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने मंच से सरकार बनाने और मंत्री बनाने में कांग्रेस कर्मचारी का हाथ बताया। उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल उद्घाटन करने आए थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कर्मचारी संभाग द्वारा आयोजित संभागीय सम्मेलन का आयोजन प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी के लिए किया गया। इसमें चुनाव के पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा 18 सूत्री वचन पत्र जारी किया गया था। वचन पत्र में से कुछ मांगों का निराकरण किया जा चुका है। संभागीय सम्मेलन के माध्यम से सभी कर्मचारियों से चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कर्मचारी संभाग की 52 बची हुई मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जाएगा। संभागीय अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो बैठक में निर्णय लेकर चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव पूर्व उन्होंने 68 सूत्री वचन पत्र जारी किया गया था। उस वचन पत्र की कुछ मांगों का सरकार द्वारा निराकरण किया गया। जो मांगों का निराकरण किया लिया उसके लिए हम सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और शेष रही मांग का निराकरण के लिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और समय सीमा में अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आज की हम बैठक में आगे की कार्रवाई का निर्णय लेंगे। आज हम यदि मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, उसके पीछे कर्मचारी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी सरकार की संपूर्ण प्रतिबद्धता आपके साथ है। हम हमेशा हमारे दो हाथ जब भी उठेंगे आपकी मदद के लिए उठेंगे, आपके सहयोग के लिए उठेंगे। वीरेंद्र भूंगल एक लंबे अरसे से मेरे साथ से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला के उनकी कोशिश हो